हे गाइस, क्या आप एक नया फोन खरीदना चाहते हो लेकिन अगर आपका बजट 10,000 या फिर उससे भी थोड़ा कम है तो आई थिंक आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में तो आपका बजट में बेस्ट फोन बताऊंगा एंड सेम प्राइस रेंज में जो बाकी सारा फोन आता है उस फोन से भी थोड़ा बहुत कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि मैं जो फोन बोल रहा हूँ वही फोन आपके लिए क्यों बेस्ट होगा। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा बजट में कौन सा फोन अच्छा है वो आप कैसे सबसे आसान तरीका में ढूंढ पाओगे। यार 10,000 का रेंज का फोन तो सुनने में बहुत ज्यादा कम लग रहा है, लेकिन यार जो लोग 10,000 का फोन खरीदते हैं ना उनके लिए 10,000 अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। एंड मैं एक चीज देखा कि जो लोग 10,000 रुपए का फोन खरीदते हैं वो लोग बैटरी कैमरा रैम रोम के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड जो लोग गेम प्ले नहीं करते हैं वो लोग तो फोन खरीदने के टाइम प्रोसेसर को देखता ही नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर इसमें है, लेकिन उन लोगों को शायद नहीं पता है कि प्रोसेसर सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं होता है। हाँ, ये बात तो सही है कि प्रोसेसर अगर अच्छा होगा तो यार आप अच्छा गेम प्ले कर पाओगे, लेकिन आपका फोन में अगर अच्छा प्रोसेसर नहीं होगा ना तो यार आप 2-3 महीना फोन को यूज करोगे तब आपका फोन बहुत स्लो हो जाएगा, लैग करेगा, हैंग करेगा, ऑटोमेटिकली फोन रिस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा फोन यूज करोगे जिसमें शायद फीचर आपको थोड़ा कम मिलेगा, बैटरी थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन प्रोसेसर बहुत ज्यादा अच्छा है, तो यार उस फोन को आप 1 साल यूज करो, 2 साल यूज करो, तब भी जाके आपका फोन फास्ट रहेगा, स्लो नहीं होगा एंड अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यार कोई भी फोन खरीदने के टाइम हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा उस फोन में कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ है, उसके बाद जाके आपको देखना है कि उस फोन में बैटरी आपको कितना मिल रहा है एंड क्या फास्ट चार्जिंग मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो प्रोसेसर एंड बैटरी देखने के बाद आपको उस फोन का स्क्रीन को देखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप फोन कर लो या फिर गेम खेल लो, जो भी करोगे आपका स्क्रीन में ही करना पड़ेगा, तो स्क्रीन भी अच्छा होना इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद जाके उस फोन का कैमरा, लुक्स, डिजाइन, ये सब के बारे में आप देख सकते हो। तो यार मैं जिस रूल के बारे में आपको बताया, अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि कौन सा बजट में कौन सा फोन सबसे अच्छा है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए मैं आज आ गया हूँ 10,000 के अंदर सबसे बेस्ट फोन को लेकर, जो की है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 30A। ये फोन हाल ही में 24 फरवरी इंडिया में लॉन्च हुआ था, मतलब रिसेंटली ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ। एंड सच बताऊं तो ये फोन हर एक यूजर्स के लिए बेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप गेमर हो तो आपके लिए इसमें मीडियाटेक का हेलियो G85 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि गेमिंग के लिए काफी बढ़िया प्रोसेसर है। एंड इस प्राइस रेंज में आपको और कोई भी फोन में ये प्रोसेसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो यार आपके लिए इसमें 6000 mAh का बड़ी बैटरी मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में आपको 2 दिन से ज्यादा बैटरी बैकअप दे देगा। एंड इस फोन को चार्ज करने के लिए आपको 18W का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। एंड अगर आप ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हो तो यार आपको इसमें 6.5 inches का बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड बजट के हिसाब से आपको इसमें HD+ डिस्प्ले ही मिलेगा, फुल HD नहीं मिलेगा। HD+ डिस्प्ले होने के लिए बैटरी भी कम कंज्यूम होगा एंड बैटरी बैकअप भी काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर कैमरा की बात करो तो आपको इधर 13 MP का डुअल कैमरा के साथ साथ फ्रंट में 8 MP का सेल्फी भी मिल जाएगा, एंड कुछ फोटोज का सैंपल भी आपका सामने है, आप देख सकते हो। एंड यार ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, ये देख के हमें क्वाड कैमरा मिलता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो यार आपको बस 2 ही कैमरा मिलता है एंड बाकी दोनों में से एक में तो AI लिखा हुआ है एंड एक फ्लैश है। एंड आपको इसमें 3 कार्ड का भी स्लॉट मिल जाएगा, जिससे आप 2 SIM एंड 1 SD कार्ड को यूज कर पाएंगे। अगर आप इसका डिजाइन को देखेंगे तो डिजाइन भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। तो अभी अगर प्राइसिंग की बात करो तो दोस्तों ये 3GB RAM 32GB ROM वाला वेरिएंट आपको फ्लिपकार्ट में 9,000 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बैंक का कार्ड को यूज करेंगे तो आपको ये फोन सिर्फ 8,000 रुपये में मिल जाएगा। एंड इसका हायर वेरिएंट जो कि 4GB 64GB RAM है वो आपको फ्लिपकार्ट में 10,000 रुपये में मिलेगा एंड वो भी बैंक ऑफर के साथ आपको 9,000 रुपये में मिल जाएगा, मतलब इसका बेस वेरिएंट आपको 8,000 रुपये में मिल जाएगा। एंड मेरे हिसाब से यही फोन 8,000 रुपये में आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। तो यार अभी बताओ आपको ये फोन कैसा लगा, अगर फोन अच्छा लगा तो यार वीडियो को भी शायद अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो यार ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस एंड फोन का कंपैरिजन सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा के साइड वाली जो बेल आइकन आएगा उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना पड़ेगा। तो चलो यार हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Personally.